और भाव ये जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया है राकेश टिकैत ने, इस अल्लाह अकबर के नारे से तीन कृषि कानूनों का क्या लेना देना है? क्या कोई रिलेशन है क्या अल्लाह अकबर में और तीन कृषि कानूनों में? नहीं, वो किसान मामलों में वो असदुद्दीन ओवैसी हो गया और कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी को जैसा लगता है कि अल्लाह हो अकबर बोलो तो पूरा इराक बिराक कौन आइसिस तालिबान सब इकट्ठे हो जाएंगे इंडिया में आकर, ऐसा ओवैसी को लगता है। होता तो नहीं है। तो इनको भी लगता है कि भाई मैं भी अल्लाह अकबर बोलूंगा तो तालिबान वगैरह आएंगे और मोदी को हटा देंगे। तो ऐसे होता नहीं है। जो कि मुस्लिम समाज भी जो है उसमें से एक चुनिंदा लोग 10-12% ऐसे होते हैं वो जो माथा भड़काते हैं, वो शायद 30-35% उसमें मिल जाते हैं, लेकिन बाकी का मुस्लिम समाज भी इनसे अलग बैठा है। उसको वो भी किसान है ना, आपके मेरठ वगैरह इलाका जो है वहाँ जो मुस्लिम बैठे उनको मालूम है कि मेरे फसल को अच्छा दाम मिला है, मेरे को अच्छा दाम मिला है। तो जब किसान नहीं आ रहे तो अल्लाह वो अकबर बोल के मुस्लिमों को इकट्ठा करे ये सोच रहे, उनको लगता है कि वो पीछे आ जाएंगे। अब इससे मायावती का क्या हो गया हम देख रहे हैं, अभी अभी जो सर्वे आया उसमें भी वो बात आ गई है कि अगले चुनाव में सबसे बड़ा झटका अगर लगने वाला है तो कांग्रेस को तो लगेगा ये बात है, नहीं रही नहीं। अभी कांग्रेस का 2 या 3% कुछ वोट दिखाया है और मायावती के वोट घटकर 15-16% तक आ रहे हैं। इसका बिल्कुल मतलब बिल्कुल 2024 तक मायावती 10-12% बच जाएगी, यानी जाटव समाज के उसमें मर्यादित हो जाएगी। क्योंकि ये सब मसला आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, इनको बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बीएसएनएल का एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि वो बदले नहीं तो खत्म हो गए। सालों से इनकी मोनोपाली थी टेलीफोन पर, मोबाइल आ गए और बीएसएनएल खत्म हो गया। अब पीछे पीछे जा रहे, इनको कोई खरीद नहीं रहा ना उनका कुछ इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इनका भी होगा, इनका भी होगा। ये अपनी मौत से जो मरने वाले हैं उसके कोई मर्डर नहीं करता। भाव 2007 में जब राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, उस समय इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत जीवित थे। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उस पर खुद भी चुनाव लड़े, कुछ और को भी टिकट वगैरह दिए। इनकी जमानत जब्त हो गई, 9,000 वोट के आसपास इनको मिले। और उसके बाद ये 2014 में अमरोहा से राष्ट्रीय लोकदल, जो अजीत सिंह की पार्टी थी, चौधरी चरण सिंह के बेटे जो प्रधानमंत्री रहे कुछ महीने, उनकी पार्टी से लड़े। लोकसभा चुनाव में भी इनको 9,500 वोट मिले और जमानत तो जब्त होनी ही थी। अब जो इन्होंने यह अल्लाह अकबर का नारा लगाया है, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है? 2013 में मुजफ्फरनगर में एक बड़ा दंगा हुआ था, और वो बड़ा दंगा इसलिए हुआ था, एक कवाल जगह है वहां पर दो जाट युवाओं की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उनकी बहन जब ट्यूशन वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी तो मुस्लिम लड़के उनके साथ छेड़छाड़ करते थे, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते थे। तो वो अपने मामा के साथ जो है उनके पास गए, उनको धमकाया, उनको मारा पीटा, लेकिन उन दोनों लड़कों की हत्या कर दी। इस पर बड़ा दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, और मुसलमान और जाट आमने सामने आ गए, क्योंकि आजम खान ने मुसलमानों का पक्ष लिया था और जो हत्या अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया था, मैनुपुलेटेड करके उस एफआईआर में कुछ ऐसी चीजें लिखवा दी थी। तो ये जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया जा रहा है, ये जाटों को और मुसलमानों को फिर से जोड़ने की कोशिश है। और 2013 की घटना से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में फायदा हुआ था भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो तमाम उन जाट लड़कों के साथ कोर्ट कचहरी में खड़े हुए दिखाई देते थे जिनको गलत तरीके से फंसाया गया था। और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जिनका बेस इस इलाके में था वो एकदम किनारे लगा दी गई थी। जाट भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए। तो 2013 की पृष्ठभूमि में अब ये फिर से
जाटों को मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी जाटों को काटने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैंने लिखा भी है कि ये किसान नहीं सियासी आंदोलन है, और राकेश टिकैत ने ये नारा लगा करके ये साबित कर दिया है कि ये किसानों से इस पंचायत का इस आंदोलन का कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो मोदी को योगी को भारतीय जनता पार्टी को दफन करना चाहते हैं। वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो पंचायत चुनाव ने बता दिया। अभी हाल ही में जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें मुजफ्फरनगर में भी भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत चेयरमैन चुना गया और पड़ोस के जिले शामली से नहीं। हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं वही तो उनका वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आम जनता इनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रही। हाँ लेकिन कम से कम मीडिया हो सोशल मीडिया वो तो हमको गाली तो दे, हम जीवित है ये तो दिखाई देता है। कि वो मच्छर बोलो कोई बात नहीं, लेकिन मच्छर बोल रहे इसका मतलब मैं काटता हूँ वो आपको दुखता है, इससे ज्यादा वो हासिल करना चाहते। मालूम है जनता ने इनको कब्जा कर दिया है। हाँ बच्चा कुचा मीडिया है वो उनको उठा रहा है और मीडिया का जो नैरेटिव है हम आगे पुश करते हैं, लेकिन तमाम नीचे वाली जो जनता है, हमने अभी अभी देखा ना स्थानीय इकाई चुनाव जो हुए उसमें, और कल परसों ही कोई एक सी वोटर का सर्वे आ गया उसमें दिया कि बीजेपी कम से कम 260 से ज्यादा सीटें लाएगी, समाजवादी 100 से आसपास कुछ लाएगी, बीएसपी कुछ 30-35 पर अटक जाएगी, कांग्रेस तो 5-6 सीट से ज्यादा नहीं जाएगी। तो बिल्कुल साफ है अभी चुनाव को 6 महीने बचे हैं, तब अगर आपको 258-60 सीटें दिखाई दे रही है इसका मतलब वो 300+ होने वाला है। जब माहौल पैदा हो जाता है तब लड़ाई की शुरुआत होती है। तो ये तो पहले ही बोलते, अब देखिए कि खुद प्रशांत किशोर ने बोल दिया है कि मार्च 2022 तक मैं कुछ काम नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है, उसको मालूम है जहां जहां चुनाव होने वाले है वहां वहां उसका कुछ चलने वाला नहीं है, तो उस स्पर्धा में उतर कर हारने के बजाय अलग ही बैठे, हारने के लिए क्यों उतरे। तो अब इनकी इतनी बुरी हालत, अभी देखिए अब तो सब्जेक्ट लगा, आज ही मैंने मराठी में न्यूज हमारे यहाँ पढ़ा कि फिर से मिल वर्कर्स का आंदोलन शुरू होने जा रहा है। अरे मिले नहीं बची, उस समय का जो यूनियन था मुंबई गिरणी कामगार वगैरह कुछ था, दत्ता सामंत नहीं रहे तो आंदोलन मिल नहीं रही, वो उसकी जमीन उठाकर वहां टावर बन गए, गार्डन बन गए, कॉम्प्लेक्स बन गए, तो आंदोलन किस लिए होगा, अल्लाहू अकबर और कुछ नहीं, कुछ नहीं ना। हाँ लेकिन हम जैसे लोग उस पर चर्चा करते, इनकी अपेक्षा इतनी है कम से कम हम कर चर्चा तो करो यार, गाली तो दो, हम अभी भी है ये तो कम से कम लोगों को पता चले। देखो जब ये चल रहा था अन्नदाता 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 ये चिल्लाया जा रहा था ना, अब वही मेनस्ट्रीम मीडिया इनको कुछ दिखाई देता है बताता है, एक न्यूज हो जाती है, क्या करें, अपना ही बच्चा है, इनका ही तो बच्चा है मीडिया का है, ये रोता है तो उसको कुछ लॉलीपॉप वगैरह देना पड़ता है, हाँ देखो तुम्हारा कवरेज कर दिया जाओ। तो हमको ये उठाना ही नहीं चाहिए, भैया खुश रहो जहाँ हो, खुश रहो, रस्ते पर रहो, आखिर तक रहो, हटो नहीं, वहीं बैठे रहो, डटे रहो इनकी। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, आपको याद होगा मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि शाहीन बाग का क्या होगा, तो मैंने बोला था लाल बाग होगा और किसान आंदोलन का शाहीन बाग होगा, हुआ है। अब बात इतनी है इनको बुलडोजर लगा के इनके तंबू कब हटाए जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता हटाए जाएगा, चिंता मत करो। ये अल्लाह अकबर बोले या हेराम बोले या हराम बोले या और कुछ बोले, कुछ निकलने वाला नहीं है। हाँ उनको उनकी चर्चा होती रहेगी और उनकी अपेक्षा चर्चा से और कुछ नहीं है, चर्चा से और कुछ नहीं। इस भीड़ में किस किस तरह के लोग जुटाए गए थे भाव, एक छोटी सी क्लिप सुनवाता हूँ आपको, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और हम जितने भी हैं लोग ही
के ददड़ू बहुत से आए, इन तीनों काले कानूनों को सरकार वापस ले और किसानों की बात जो किसानों के मुद्दे हैं उनको स्वीकार करें। क्या काले कानूनों के बारे में जानते हैं आप? हाँ, एक NRC है, एक NPR है और एक एक NRC है, एक NPR है, एक CAA है। ये तीन कृषि कानून है जो काले कानून है, इनको सरकार वापस ले। और मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। इस वीडियो में, ये वीडियो करीब करीब 15 मिनट का है, इसमें मोस्टली मुस्लिम लड़के हैं जो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे, हम मोदी को और अमित शाह को ख़त्म कर देंगे और हम इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहते हैं जो NPR है, NRC है और CAA है। तो ये तीन जो हैं कृषि कानून हैं इनकी नज़र में। तो आप समझिए कि वहाँ जमावड़ा किन का था। नहीं, नहीं, जमावड़ा कि जो है वो ये देखिए, एक बात होती है, वही चेहरा बदल कर झंडा बदल कर आ जाते हैं, वही लोग हैं उसमें, वही लोग रहेंगे जो गुजरात में दंगे के बाद चिल्ला रहे थे, वही लोग जो ममता के नाम से चिल्ला रहे थे, वही यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा वहां पहुंच जाएंगे। तो वही लोग हैं, तो उन पर हम बार बार क्यों बोले? वही तो मैं बोल रहा हूं, इनका इनका मकसद एक ही है कि आपको डिस्टर्ब करे, आपको गाली देने पर प्रवृत्त करे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है उनका उद्दिष्ट, कुछ भी नहीं यहां। लेकिन वो मानते हैं कि गाली देंगे तो एक सर्टन क्लास है वो रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्ट करेगा उतना भी बहुत है उनके लिए, उतना भी बहुत है। देखो, एक लोग किसी के पास आप दुर्लक्ष करते हो, इग्नोर करते हो, तो वो चिल्लाते रोते रहेगा ही ना, तो ये रोते रहते, इग्नोर करो उनको, ये क्या बोलते हो, वो बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो भी जानते हैं, लेकिन इससे कुछ। अभी जावेद अख्तर की बात ले लो, मैंने आज सुबह मराठी में एक वीडियो डाल दिया कि भाई इनके खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा, वो बातें मत करो, कम से कम एक काम करो कि जिस चैनल पर जावेद अख्तर गाना उनका होगा, ऐसा कुछ होगा, वो फिल्म लगती है, तो वो चैनल बहिष्कृत कर दो, बाहर रस्ते पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इनका मार्केट डाउन हो जाएगा। अब देखिए, कल मैंने पूछा, कुछ रविश कुमार की कुछ क्लिप देखी मैंने, वो आह्वान कर रहे कि ये कोई डिश टीवी वाले हैं, उन्होंने इनका NDTV चैनल ही बंद कर दिया, NDTV इंडिया, तो उसकी मांग करो, कितने भिखारी हो गए देखो। तो हमसे ज्यादा अक्लमंद कॉमन मैन है, उसको मालूम है क्या करने, वो बोलते आपके पैकेज में NDTV है, फिर आपका पैकेज में बदल देता हूं, मुझे NDTV नहीं चाहिए। अपने आप इनकी गर्दन दब जाती है, इनके साथ रस्ते पर आकर बोलने की, चर्चा करने की, मारकाट करने की कोई जरूरत नहीं, इनको इग्नोर करो बस। और ये जो बोलते हैं उसका कोई मतलब है नहीं, गाली जो देता है तो गाली का मतलब क्या होता है, आपको इरिटेट करना है। अगर आपको इतना गुस्सा आता है तो खुद मोदी को क्यों नहीं गुस्सा आता? क्योंकि मोदी जी को मालूम है भैया इसके बोलने से कुछ होने वाला नहीं। और एक इंटरव्यू में 2013 में उन्होंने बोला था, मोदी जी ने, मेरा ख्याल है शायद ABP नेटवर्क को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें वो बोले थे वो तो गाली देंगे, कम से कम उतना तो उनको अधिकार दो, हारेंगे बार बार हारेंगे और गाली भी ना दे तो बेचारे करे क्या, तो गाली देने का अधिकार उनको रहना चाहिए। कि आगे उनके पास करने जैसा कुछ बचा नहीं, एक साल से अगर एक आदमी ये करेंगे वो करेंगे बोल रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, तो हम भी उस पर चर्चा ना करें ना, हम भी उस पर, जब जिस दिन ये होगा, इसलिए मैंने बोला कि जब तक मोदी जी को गाली मिल रही है तब तक मोदी जी स्वांथ सुखाय खुश है, जिस दिन ये लोग मोदी की सराहना करेंगे मोदी डर जाएंगे, जो मोदी को पता चलेगा अगर ये लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ तो गलत हो रहा है, डरना पड़ेगा।